नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूँ आपका दोस्त रत्नेश और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके कैंपस में। दोस्तों, आज मैं भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के एक महत्वपूर्ण टॉपिक राष्ट्रपति प्रेसिडेंट को इस वीडियो में लेकर आया हूँ। इसके अंतर्गत हम राष्ट्रपति के निर्वाचन, निर्वाचन की योग्यता, महाभियोग और पद रिक्तता से संबंधित बिंदुओं पर एक विस्तृत चर्चा करेंगे। वीडियो के लास्ट में हम अभी तक के जितने राष्ट्रपति हुए हैं उनसे जुड़े जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राष्ट्रपति। दोस्तों, संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 52 से 78 आर्टिकल 52 to 78 तक कर संघ की कार्यपालिका का वर्णन है। 52 से 78 तक भाग 5 में संविधान के संघ की कार्यपालिका का वर्णन है। संघ की कार्यपालिका में कौन कौन शामिल है दोस्तों, आइए उन पर हम चर्चा करते हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल और महान्यायवादी संघ की कार्यपालिका में शामिल हैं। राष्ट्रपति जो होता है दोस्तों, वो भारत का राज्य प्रमुख होता है। हम आर्टिकल 52 पढ़ेंगे तो उसमें कहा जाएगा कि राष्ट्रपति भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 52 कहा जाएगा दोस्तों कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। और आर्टिकल 53 जब हम पढ़ेंगे तो आर्टिकल 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका की जो शक्ति होती है दोस्तों, वो राष्ट्रपति में निहित होती है और वह इसका प्रयोग स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करता है। आइए दोस्तों, बात करते हैं भारत राष्ट्रपति के निर्वाचन की। दोस्तों, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता। राष्ट्रपति का निर्वाचन निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा होता है। और इन निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल हैं, आइए उन पर हम चर्चा करते हैं। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, दोस्तों संसद के दोनों सदन यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होंगे ना कि राज्य विधान परिषदों के। केंद्र शासित प्रदेशों जिनमें से दिल्ली और पांडिचेरी के सिर्फ जो विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य हैं वो भी राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में यानी कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेंगे। 17वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में दिल्ली और पांडिचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को भी निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया। कब दोस्तों, तो 17वें संविधान संशोधन, 17वां जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था 1992 में, 1992 में दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को भी निर्वाचक मंडल में जो इलेक्टोरियल कॉलेज था उसमें दोस्तों शामिल किया गया। आइए दोस्तों आगे बात करते हैं। अर्थात संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य, चाहे वो लोकसभा के हो 2 और राज्यसभा के 12 जो मनोनीत सदस्य होंगे उनका वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेंगे, तथा राज्य विधानसभाओं और राज्य विधान परिषदों के मनोनीत सदस्य और दिल्ली में पुंडीचेरी जो विधानसभा है, दिल्ली और पुंडीचेरी जो विधानसभा है दोस्तों, उनके भी मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेंगे। आइए दोस्तों आगे बात करते हैं। राज्य विधानसभाओं तथा संसद के प्रत्येक सदस्यों का जो मतों का अधिकार होगा उसका निर्धारण कैसे किया जाता है, तो दोस्तों प्रत्येक राज्य की जनसंख्या को उस राज्य की विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या से विभाजित किया जाएगा। यानी कि जो राज्यों की कुल संख्या होगी, जो राज्य की कुल जनसंख्या होगी उसे राज्य की विधानसभाओं के कुल निर्वाचित सदस्यों से हम भाग देंगे, विभाजित करेंगे, और जो भागफल प्राप्त होगा उसे पुनः हम 1000 यानी कि 1000 से विभाजित करेंगे। यानी कि राज्य की कुल जनसंख्या अपान राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इंटू 1/1000, यानी कि राज्य की कुल जनसंख्या बटे राज्य विधानसभा के निर्वाचित कुल सदस्य गुणे 1/1000, ऐसा होगा दोस्तों एक विधायक के मत का मूल्य। अब हम बात करते हैं संसद सदस्य के मत का मूल्य कैसे होगा। तो पूरे भारत की समस्त विधानसभाओं यानी कि जो भारत की समस्त विधानसभाओं के सदस्यों के कुल मतों की संख्या होगी दोस्तों, और संसद के दोनों सदनों के कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या को विभाजित करने के बाद जो भागफल बचेगा वही प्रत्येक संसद सदस्य का वोट का मूल्य होगा, वही प्रत्येक संसद सदस्य के मत का मूल्य होगा। दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों कि संसद के प्रत्येक सदस्य का मत का मूल्य कैसा होगा। एक बार फिर से समझते हैं दोस्तों कि एक संसद के सदस्य के मतों के मूल्य जो होंगे दोस्तों, वो सभी राज्यों के जो विधायक होंगे के मतों का कुल मूल्य बटे संसद के निर्वाचित सदस्यों की कुल सदस्य संख्या। राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत और गुप्त मतदान। दोस्तों कई बार पूछा गया कि राष्ट्रपति के चुनाव में किस प्रकार के मत का उपयोग किया गया है, दोस्तों गुप्त मतदान और एकल संक्रमणीय मत यानी कि राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धत और गुप्त मतदान द्वारा होता है। किसी उम्मीदवार को राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचित होने के लिए मतों का एक निश्चित भाग प्राप्त करना आवश्यक होता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि इनकी अर्हताएं क्या होंगी यानी कि योग्यताएं क्या होंगी और वो शपथ कैसे लेते हैं और उसकी शर्तें क्या क्या हैं। तो वह भारत का नागरिक होना चाहिए, यानी कि जो राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार होगा वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, यानी कि वो 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्य हो, यानी कि लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो वह व्यक्ति जो राष्ट्रपति के उम्मीदवार के रूप में है। केंद्र या राज्य सरकार के किसी के लाभ पद पर ना हो, यानी कि केंद्र या राज्य सरकार में किसी भी लाभ के पद पर
वह धारण ना करता हो, यानी कि चुनाव के समय लाभ का पद धारण ना करता हो। जो राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार खड़ा होगा उसके साथ कम से कम 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए। राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए कम से कम 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि RBI में 15,000 जमानत राशि के रूप में वह जमा करेगा। जमानत राशि के रूप में दोस्तों वो 15,000 रुपये जमा करेगा RBI में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में। उम्मीदवार अगर डाले गए मतों का 1/6 यानी कि 1/6 भाग प्राप्त करने में असमर्थ होता है तो उसके द्वारा जमानत राशि जो जमा राशि है वो दोस्तों जब्त कर ली जाएगी, यानी कि उसकी जमानत जब्त हो जाएगी। आप लोगों ने सुना होगा कई बार जो विलेज के इलेक्शंस होते हैं या फिर कोई जो भी इलेक्शंस होते हैं असेंबली के, उसमें कुछ उम्मीदवार ऐसे होते हैं जिनकी जमानत जब्त हो जाती है। कई बार न्यूज़ आर्टिकल्स में आती रहती है कि कांग्रेस के इतने विधायकों की, भाजपा के इतने विधायकों की जमानत राशि जब्त होगी, यानी कि उन्होंने जो एक निर्धारित मत है उस मत को नहीं प्राप्त कर सके, उस मत को प्राप्त करने में असमर्थ हो गए, इसलिए उनकी जमानत राशि जो है दोस्तों वो जब्त कर ली गई निर्वाचन आयोग द्वारा। अब दोस्तों आगे बात करते हैं, 1997 से पहले जो प्रस्तावकों और अनुमोदकों की संख्या थी दोस्तों वो 10-10 थी, यानी कि प्रस्तावकों की भी संख्या 10 थी और अनुमोदकों की भी संख्या कितनी थी दोस्तों, तो 10 थी 1997 से पहले। और जो जमानत राशि थी दोस्तों वो 2500 रुपये थी, जमानत राशि 2500 रुपये थी 1997 से पहले। अगर आगे हम बात करें तो राष्ट्रपति द्वारा शपथ और प्रतिज्ञान क्या होता है, आइए उनकी हम बात करते हैं। तो श्रद्धापूर्वक राष्ट्रपति पद का कार्य का पालन करूँगा, यानी कि राष्ट्रपति पद ग्रहण करने से पूर्व शपथ या प्रतिज्ञान लेता है और अपनी शपथ में राष्ट्रपति शपथ ले होता है क्या होता है दोस्तों, कि मैं श्रद्धापूर्वक राष्ट्रपति पद का कार्यपालन करूंगा। राष्ट्रपति जो चुना जाएगा वो कहेगा मैं श्रद्धापूर्वक राष्ट्रपति पद का कार्यपालन करूंगा, संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और पत्ररक्षण करूंगा और भारत की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूंगा। भारत की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूंगा। वो दोस्तों किसके सामने अपनी शपथ और प्रतिज्ञा लेता है, तो उच्चतम न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे उनके सामने वो शपथ या प्रतिज्ञान लेगा। अगर वो अनुपस्थित है, अगर वो उपस्थित नहीं है तो उनकी अनुपस्थिति में वरिष्ठ न्यायाधीश हैं उच्चतम न्यायालय के, उनके सामने राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है। आइए दोस्तों बात करते हैं राष्ट्रपति के शपथ के लिए कुछ शर्तें क्या क्या हैं। तो राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन या राज्य विधायिका का सदस्य नहीं होना चाहिए, यानी कि अगर वो उससे पहले है तो वह उसे त्यागपत्र देकर फिर से वह राष्ट्रपति का शपथ ले सकता है। यानी कि राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन या राज्य विधायिका का सदस्य यदि है तो उसे पद ग्रहण करने से पहले उसे त्यागपत्र देना होगा। वह कोई अन्य लाभ का पद ना धारण करता हो, यानी कि किसी अन्य लाभ के पद पर वो ना हो। तीसरे की बात करें दोस्तों, तो उसे बिना कोई किराया चुकाए राष्ट्रपति भवन आवंटित होगा, यानी कि उसे कोई किराया नहीं दिया जाएगा और जो आधिकारिक भवन, आधिकारिक निवास है, आधिकारिक भवन है राष्ट्रपति भवन, उसे आवंटित किया जाएगा। उसे संसद द्वारा निर्धारित उपलब्धियों, भत्ते व विशेषाधिकार प्राप्त होंगे। उसे संसद द्वारा जो निर्धारित भत्ते हैं, जो उपलब्धियां हैं और जो विशेषाधिकार राष्ट्रपति के वो प्राप्त होंगे। उसकी उपलब्धियों और भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे। और दोस्तों उसकी उपलब्धियां जो होंगी, जो उसका वेतन होगा, जो उसका भत्ता होगा, वो उसके पदावधि के दौरान जितना उसका पदावधि होता है उसके दौरान उसे कम नहीं किया जाएगा। भारत के राष्ट्रपति की अगर तनख्वाह की बात करें, उसके वेतन की बात करें, तो 5,00,000 रुपये प्रतिमाह भारत के राष्ट्रपति की तनख्वाह होती है। जनवरी 2016 में इसे 1,50,000 रुपये से बढ़ाकर 5,00,000 रुपये किया गया था, यानी कि 2016 से पहले ये 1,50,000 रुपये थी। इससे पहले दोस्तों अगर बात करें हम, तो इससे पहले 2008 में राष्ट्रपति का जो वेतन था वो 50,000 से बढ़ाकर 1,50,000 यानी कि 1,50,000 रुपये किया गया था। तो 2016 में 1,50,000 से बढ़ाकर 5,00,000 किया गया, और इससे पहले की अगर बात करें दोस्तों, तो 50,000 से बढ़ाकर 1,50,000 किया गया था 2008 में संसद द्वारा। अब हम बात करते हैं पदावधि की, फिर महाभियोग की, उसके बाद हम बात करेंगे पद रिक्तता की। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं राष्ट्रपति के पदावधि की। तो राष्ट्रपति पद धारण करने की तिथि से 5 वर्ष तक, यानी कि राष्ट्रपति की जो पदावधि होगी उसके पद धारण करने की तिथि से 5 वर्ष तक होती है। राष्ट्रपति की पदावधि उसके पद धारण करने की तिथि से 5 वर्ष तक होती है। हालांकि वह अपनी पदावधि किसी भी समय अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को दे सकता है। इसके अतिरिक्त उसे कार्यकाल पूरा होने से पहले महाभियोग चलाकर भी उसके पद से हटाया जा सकता है। तो या फिर वो अपना त्यागपत्र दे दे उपराष्ट्रपति को, या फिर महाभियोग चलाकर, हम महाभियोग की बात अभी करेंगे, इम्पीचमेंट की बात करेंगे दोस्तों आगे हम, तो उसे चाहे वो अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को दे दे या फिर महाभियोग चलाकर भी उसे पद से मुक्त किया जा सकता है। वह इस पद पर कितनी बार भी चुनाव पुनः निर्वाचित हो सकता है, यानी कि वो कितनी बार भी इस पद के लिए निर्वाचित हो सकता है। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है, अमेरिका में एक व्यक्ति 2 बार से अधिक राष्ट्रपति नहीं बन सकता। अब हम बात करेंगे राष्ट्रपति के पर महाभियोग की।
तो राष्ट्रपति दोस्तों संविधान राष्ट्रपति पर संविधान का उल्लंघन यानी कि संविधान के जब उल्लंघन कर रहा हो करने पर महाभियोग चलाकर उसे पद से हटाया जा सकता है। हालांकि संविधान ने संविधान का उल्लंघन वाक्य को कभी परिभाषित नहीं किया यानी कि जो संविधान का उल्लंघन वाक्य यहाँ पे हमने यूज किया उसका परिभाषा कहीं भी संविधान में नहीं लिखा गया है। महाभियोग के आरोप संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकते हैं यानी कि चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो महाभियोग के आरोप किसी भी सदन में चलाए जा सकते हैं। इन आरोपों पर सदन के एक चौथाई यानी कि 1/14 यानी कि जिस सदन में ये आरोप लगाए गए उस सदन के एक चौथाई सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए और राष्ट्रपति को 14 दिन का यानी उससे पहले 14 दिन का नोटिस देना चाहिए। महाभियोग या प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पारित होने के पश्चात या दूसरे सदन में जाएगा यानी कि अगर उस सदन में एक चौथाई सदस्यों ने हस्ताक्षर किए और उसे 14 दिन पहले नोटिस दिया राष्ट्रपति को और उस सदन ने जिस सदन में यह महाभियोग प्रस्ताव पारित चलाया जा रहा है उसमें 2/3 यानी कि 2/3 बहुमत से पारित हो जाए तो उसे दूसरे सदन में भेज दिया जाएगा। दूसरा सदन इन आरोपों की जांच करेगा। राष्ट्रपति को इसमें उपस्थित होने की और अपना प्रतिनिधित्व करने का अधिकार होता है। दोस्तों यह दूसरा सदन इन आरोपों को सही पाता है और महाभियोग प्रस्ताव को दोबारा 2/3 बहुमत यानी कि 2/3 बहुमत से पारित कर देता है तो राष्ट्रपति को विधेयक पारित हो जाता है यानी राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग का विधेयक पारित हो जाता है और उसी दिन से उसे उस पद से हटना होता है। उसी दिन से राष्ट्रपति उस पद से पदमुक्त हो जाता है। महाभियोग दोस्तों कई बार पूछा गया कि किस तरीके की प्रक्रिया है तो महाभियोग एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। महाभियोग एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। इस संदर्भ में दो बातों को हमें ज़्यादा ध्यान रखना होगा कि संसद के दोनों सदनों के नामांकित सदस्य यानी कि जो मनोनीत सदस्य जिन्होंने राष्ट्रपति के चुनाव में भाग तो नहीं लिया था लेकिन महाभियोग में वो भाग ले सकते यानी कि संसद के दोनों जो सदन हैं लोकसभा और राज्यसभा उनके जो नामांकित या मनोनीत सदस्य हैं वो राष्ट्रपति के महाभियोग में भाग लेंगे भले ही उन्होंने चुनाव में यानी कि निर्वाचक मंडल के रूप में भाग ना लिया हो। और दोस्तों राज्य विधानसभाओं तथा दिल्ली और पुडुचेरी केंद्र शासित विधानसभाओं के सदस्य महाभियोग में भी भाग नहीं लेंगे। हम बात करें अगर पद की रिक्तता की यानी कि राष्ट्रपति के पद की रिक्तता के लिए तो 5 वर्षीय कार्यकाल समाप्त होने पर यानी कि जब वो 5 वर्षीय कार्यकाल समाप्त हो जाए तो उसके बाद दोबारा चुनाव होंगे। इस तरीके से राष्ट्रपति का पद रिक्त हो सकता है। दूसरा उसके त्यागपत्र देने पर महाभियोग प्रक्रिया द्वारा उसे हटाए जाने पर या फिर उसकी मृत्यु हो जाने पर यानी कि जो राष्ट्रपति उनकी मृत्यु हो जाने पर अन्यथा निर्वाचन अवैध होने पर राष्ट्रपति के पद रिक्त हो सकता है। पद रिक्त होने पर दोस्तों उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के तहत कार्य करेगा जब तक नया राष्ट्रपति ना आ जाए। यदि राष्ट्रपति पद पर यानी कि राष्ट्रपति है और उसी समय उसका मृत्यु हो जाए तो दोस्तों या फिर त्यागपत्र दे दे या निष्कासन हो जाए उनका महाभियोग द्वारा अन्य किसी कारणों से रिक्त हो तो उपराष्ट्रपति नए राष्ट्रपति के आने तक राष्ट्रपति के तहत कार्य करेगा। अगर उपराष्ट्रपति भी उस समय ना उपस्थित हो तो सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होगा अगर मुख्य न्यायाधीश भी ना उपस्थित हो तो उच्चतम न्यायालय का यानी सुप्रीम कोर्ट का जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा वो राष्ट्रपति के तहत काम करेगा। अब हम दोस्तों बात करते हैं राष्ट्रपति से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट यानी कि अभी तक के जितने भी राष्ट्रपति हैं उनसे जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट। बाद में एक बार रिवाइज करेंगे सभी आर्टिकल्स को कि कौन कौन से आर्टिकल्स को हमने आज इस वीडियो में सम्मिलित किया और इसका पार्ट 2 जल्द से जल्द आपके सामने होगा। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति रहे। वह पहले राष्ट्रपति थे जिन्होंने 2 कार्यकाल संभाले। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति रहे और वह पहले ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्होंने 2 कार्यकाल संभाले। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन देश के पहले उपराष्ट्रपति थे और दूसरे राष्ट्रपति थे और उनके जन्मदिन 5 सितंबर को दोस्तों हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। किसके? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो कि देश के पहले उपराष्ट्रपति थे तथा दूसरे राष्ट्रपति बने और उनके जन्मदिन यानी कि उनके जन्मदिवस 5 सितंबर को हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। आगे बात करें दोस्तों फैक्ट की तो तीसरा फैक्ट हमारा है कि जाकिर हुसैन देश के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे और वह पहले ऐसे राष्ट्रपति थे जिनकी कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु हो गई। जाकिर हुसैन जी का कार्यकाल के दौरान ही उनके राष्ट्रपति की कार्यकाल के दौरान ही उनकी मृत्यु हो गई। वह सबसे कम समय तक के भारत के राष्ट्रपति भी रहे हैं। आगे अगर दोस्तों हम बात करें तो कार्यवाहक राष्ट्रपति बनने वाले उपराष्ट्रपति वराहगिरी वेंकटगिरी थे उनको उन्होंने 1975 में यानी कि उनको 1975 में भारत रत्न में दिया गया और बाद में वह राष्ट्रपति भी बने। अगर हम नेक्स्ट फैक्ट की बात करें तो भारत के 14 पूर्णकालिक राष्ट्रपति हुए हैं जिनमें 3 अंतरिम राष्ट्रपति वराहगिरी वेंकटगिरी मोहम्मद हिदायतुल्ला और बसपा दानप्पा जत्ती अंतरिम राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं। देश में सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति संजीव रेड्डी थे। वह आंध्र प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे यानी कि अगर पूछा जाए कि कौन सा ऐसा मुख्यमंत्री था जो बाद में राष्ट्रपति भी बना तो दोस्तों देश के सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति
संजीव रेड्डी जो कि पहले मुख्यमंत्री थे आंध्र प्रदेश के। ज्ञानी जैल सिंह भारत के पहले सिख राष्ट्रपति थे। भारत के पहले सिख राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह थे। उनकी उन्होंने उनके ही कार्यकाल में ऑपरेशन ब्लू स्टार एक महत्वपूर्ण एक जो विख्यात ऑपरेशन है ऑपरेशन ब्लू स्टार उन्हीं के कार्यकाल में चला और सिख विरोधी दंगा और इंदिरा गांधी की हत्या भी उसी समय हुई। कोचेरिल यानी कोचेरिल रमन नारायण देश के पहले दलित राष्ट्रपति थे। कोचेरिल रमन नारायण देश के पहले दलित राष्ट्रपति थे व देश के सबसे उम्रदराज यानी कि सबसे लंबी उम्र के भी राष्ट्रपति थे नारायण साहब। आगे हम बात करें दोस्तों डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम देश के पहले ऐसे वैज्ञानिक राष्ट्रपति थे। उनको पीपुल्स प्रेजिडेंट यानी कि पीपुल्स प्रेजिडेंट कहा जाता था। अगर पूछा जाए कि पीपुल्स प्रेजिडेंट किसे कहा जाता था तो दोस्तों डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को। 1997 में उनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी को। प्रतिभा सिंह पाटिल देश की पहली महिला राष्ट्रपति थी। आइए दोस्तों हम कुछ महत्वपूर्ण जो अभी तक हमने पढ़ा है अनुच्छेदों की बात करते हैं कि कौन कौन से अनुच्छेदों को आज की वीडियो में हमने सम्मिलित किया है और नेक्स्ट वीडियो में पूरे के पूरे टॉपिक्स को कवर करेंगे राष्ट्रपति से जुड़े। आर्टिकल 52 कहता है दोस्तों कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा और आर्टिकल 53 कहता है दोस्तों राष्ट्र संघ का कार्यपालिका जो शक्ति होगी जो संघ की कार्यपालिका की शक्ति होगी वो संपूर्ण शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इसका प्रयोग स्वयं यानी कि राष्ट्रपति खुद या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करता है। आर्टिकल 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए बात किया गया कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा। राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रत्यक्ष जनता के रूप में नहीं होता। राष्ट्रपति का निर्वाचन निर्वाचक मंडल एक इलेक्टोरल कॉलेज होता है इलेक्टोरल कॉलेज उसके द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। अगर हम आर्टिकल 55 की बात करें तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीत कैसे होती है तो आनुपातिक जो होता है प्रतिनिधित्व एकल सरकमणीय पद्धति द्वारा गुप्त मतदान द्वारा राष्ट्रपति के निर्वाचन होता है। राष्ट्रपति की पदावधि दोस्तों आर्टिकल 56 आर्टिकल 57 पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता बताता है आर्टिकल 57 आर्टिकल 58 राष्ट्रपति के निर्वाचन होने की अर्हताएँ क्या क्या हैं यानी कि उनकी योग्यताएँ क्या क्या हैं और आर्टिकल 58 बताता है राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए अर्हताएँ। आर्टिकल 59 राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें यानी क्या क्या शर्तें होनी चाहिए। वह भारत का नागरिक हो वह किसी लाभ के पद पर ना हो वह 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो यानी कि राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें क्या क्या हैं वो आर्टिकल 59। आर्टिकल 60 कहता है दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा कि राष्ट्रपति शपथ कैसे लेता है कि मैं श्रद्धापूर्वक अपने कार्य का पालन करूंगा। इसी तरीके से आर्टिकल 61 दोस्तों राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया और ये क्वेश्चन लगभग हर एक एग्जाम से पूछे जा चुके हैं कि महाभियोग की प्रक्रिया राष्ट्रपति पर किस अनुच्छेद द्वारा चलाई जाती है तो दोस्तों आर्टिकल 61 आर्टिकल 61 अनुच्छेद 61 द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाई जाती है। ये थी दोस्तों आज का एक इंपॉर्टेंट वीडियो। आपको वीडियो कैसे लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे आने वाले लेटेस्ट वीडियोज जो हैं उनको लिंक आपको मिलती रहे उसका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय हिंद जय भारत वंदे मातरम दोस्तों।